लाइटनिंग ने सुरक्षित बनावा माटे ने कायदा नो नवो रूप आपवा माटे आज सेमिनार नो आयोजन कर्यो हतो। फेरिया एसोसिएशन द्वारा होटल इलाक खाते आ सेमिनार मा जाणीता एडवोकेट भारत भूषण ने व्याख्यान आपी आ कायदा नी विस्तृत समझ आपवामां आवी हती। शहरी फेरियाओं ने नाना मोटा रोजगार धंधार्थियों ने सुरक्षित करवा माटे आज भूजनी इलार होटल खाते एक विशेष सेमिनार नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ सेमिनार मा गुजरातना सीनियर हाईकोर्टना एडवोकेट भूषण ओझा अने दिल्लीना अरविंद उन्नीनु व्याख्यान योजवामां आव्युं हतुं। खास करीने आ बंने जे सीनियर महानुभावो छे तेमने शेरी फेरियाओं ने नाना धंधार्थियों ने सुरक्षित रखवा माटे अने तेमने कायदानु सुरक्षित कवच पूरू पाडवानी पण हिमायत करी हती। तेमने कह्युं हतुं के नाना धंधार्थीओ पोताना धंधा रोजगार ने पोताना देवता माने छे। खास करीने जे जमीन उपर तेओ धंधो करी रह्या छे जमीनने दीपथी प्रज्वलित करे छे। खास करीने दिवाळी नूतन वर्षना તહેવાર નિમિત્તે તેમની પૂજા પણ કરવામાં આવે છે। શહેરને સુંદર રાખવા માટે નાના ધંધાર્થીઓને અને શેરી ફેરિયાઓને પ્રોત્સાહન આપવું ખૂબ જ અનિવાર્ય હોવાની વાત ભારત ભૂષણ અને અરવિંદ ઉન્નીએ કરી હતી। તેમણે અંતમાં જણાવ્યું હતું કે ખાસ કરીને જે શહેરમાં 50 વર્ષથી જૂની માર્કેટો છે તે માર્કેટને કદાપી ધ્વંસ નહીં કરવાની, આવી માર્કેટને હેરિટેજ તરીકે એક નમૂના તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવાની પણ આ બંને મહાનુભાવોએ હિમાયત કરી હતી। આજે મોટી સંખ્યામાં આ સેમિનારમાં નાના મોટા ધંધાર્થીઓ, શેરી ફેરિયાઓ અને એસોસિએશનના પદાધિકારીઓ ખાસ હાજર રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે ખાસ કરીને અરુણભાઈ વછરાજાની, રાજેશ દાવડા, મયુર ગોર સહિતના મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા। સેમિનારમાં મહંમદ લાખા પણ હાજર રહી પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા। શું કાર્યક્રમ હતો આજે? અહીંયા આપણે જે કાયદાની સમજ છે એ નવો કાયદો 2014માં જે આવ્યો છે એ ભુજના ફેરીવાળા શેરીમાં રોકનારા લોકો એ લોકોને જાગૃતિ કરવા માટે અને સમજણ આપવા માટે અહીંયા આગળ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે। જી, મેરા નામ અરવિંદ હૈ, અરવિંદ ઉન્ની, ઓર મેં દિલ્હીમાં IGSS ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉસકી તરફસે યહાં પે શામિલ હુઆ હું। आज का प्रोग्राम खासकर इसलिए है कि बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर हैं भुज में और यहाँ पे बहुत लोगों को स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में मालूम भी नहीं है और स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो 2014 में बना था उसका यहाँ पे अमल भी नहीं हो रहा है। तो ये कार्यशाला आज खासकर इसलिए लगाई गई है होम्स इन द सिटी और हुनरशाला के द्वारा, जिसमें मैं यहाँ पे शामिल हुआ हूँ। वो इसलिए हुई है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट का क्या है स्ट्रक्चर, क्या उसका ढांचा है और उसका अमल कैसे हम कर सकते हैं और उसके अमल से स्ट्रीट वेंडर्स का फ़ायदा कैसे होगा और भुज जो शहर है उसमें स्ट्रीट वेंडिंग को कैसे प्रोटेक्शन और रेगुलेशन, जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट कहता है कि प्रोटेक्शन और रेगुलेशन होना चाहिए स्ट्रीट वेंडर्स का, वो कैसे आसानी से हो सकता है उसके एक कार्यशाला के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और इसमें ये भी हुआ कि गुजरात स्ट्रीट वेंडर जो रूल्स हैं 2016 के और स्कीम जो है 2018 का, वो भी बहुत अच्छा कानून है, उसका अमल बड़े अच्छे से हो सकता है अगर स्ट्रीट वेंडर यहाँ पे कोशिश करें और भुज महानगर भुज पालिका जो म्यूनसिपालिटी है वो भी स्ट्रीट वेंडर्स पर थोड़ा ध्यान देगा तो बहुत अच्छा रहेगा और भुज एक अच्छा और स्वच्छ सुंदर शहर जो है वो और भी अच्छा हो सकता है। इसके लिए ये कार्यशाला है।